मन कस जागे पाई सो उपाय मैं करूं बखान सोता मन कस जागे पाई सो उपाय मैं करूं बखान। ये बाणी स्वामी जी महाराज की है। हजूर स्वामी जी महाराज मन दे बारे फरमा रहे है कि साड़ा मन सुता है, ये जगाने वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि मैं की उपाय करा, किस तरीके नाल मैं इसनु जगावा। तमाम दुनिया जो कर्म कर रही है उस कर्म दे नाल असी चाहते हैं कि साड़ा मन जाग जाए, होशियार हो जाए, अपने घर पहुँच जाए। ये भी अपने घर तो बाहर निकलिया है, ये ब्रह्म की अंश है, ये छोटी जी ताकत नहीं, ये भी अपने घर चो बाहर है, इसने भी अपने घर पहुँचना है। तो किस तरीके नाल सुरत की मदद इत लैनी है, ये सुरत ने मदद इसकी लैनी, तद अपने घर पहुँचना है। हुण गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि मन सुता है, मैं किहड़ा उपाय करा, किस तरीके नाल जगावां। अगे फरमाउंदे हाँ जी, सोता मन कस जागे पाई सो उपाय मैं करूं बखान। तीरथ करे बरत बीराखे विद्या पढ़ के हुए सुजान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि असी इस मन नूं जगाण वास्ते तीर्थ भी करते हैं, वर्त भी करते हैं और विद्वान भी हो जाते हैं, लेकिन ये मन जागदा नहीं। असी जो काम करते हैं उहदे विच असी हंकारी हो जाने। विद्वान दे बारे गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि वेदिया पढ़ के हंकारी हो जाते हैं, चार वेद पढ़ ले, छे शास्त्र पढ़ ले, नौ विक्रम पढ़ ले, सताई सिमरतियाँ पढ़ ली, पुराण 18 पुराण पढ़ ले, इसने सब कुछ पढ़ लिया और सारियां बोलियां सीख गया। इसनू चंडूल पैंछी की मिसाल दे के गुरु साहब जी फरमाते हैं कि चंडूल पैंछी की तरह हो गया। चंडूल पैंछी एक बड़े बड़े जंगलों के विच रहिंदे है, हर एक बोली वो जानते हैं, जदों कोई उन्हां दे पास आउंदा है उसनू खा जांदे है। पशु की बोली होवे, परिंदे की बोली, जदों परिंदे ने कोल आना है उन्हू खा जाना, बंदे की बोली बोली, बंदा कोल आया बंदे नू खा गया। सो साहब विद्वान जेड़े बड़े बड़े उन्हां दे बारे गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि विद्या भी पढ़ के सुजान होए लेकिन मन नहीं जागया, मन हंकारी रहा, सुता रहा, ये कोई समझ नहीं आई। असी इनू जगाण वास्ते सारे कर्म करते हैं, साढ़े कर्म सब फेल हो जाते हैं। हाँ जी, तीरथ करे बरत भी राखे विद्या पढ़ के सुजान। जप तप संजम बहु विद तारे मो
मुनी हुए नदान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि जप तप कीते और मौन रख ले लोकां नू दसन वास्ते। तपस्या दे बारे हजूर फरमाउंदे हुंदे सी कि उन्हां कोलों ग्रीसी लोग जेड़े है वो चंगे है। तपस्सी ने पांच धूणियां बाहर ला लिया, पांच अंदर उस दे काम क्रोध दियां लगियां, दस हो गई। ग्रीसी बंदे दे लगियां होणगे ते पांच लगियां होणगियां, दस ते नहीं लगियां होणगियां। फिर जिन्हां दा बालन लिया उन्हां दे देनदार बन गए, जिन्हां दा खाणा खाधा उन्हां दे देनदार बन गए। ग्रीसी बंदा जिहड़ा वो किसी का देनदार तो नहीं बनेगा, अपनी मेहनत करेगा, मेहनत विचों कुछ वो दान पुण भी करता है, किसी गरीब गुरबे का भला करता है। तपस्सी कोलों हजूर फरमाते होंगे सी कि ग्रीसी लोग चंगे है। असी तपस्या करके और मौन रख के अपने इस मन को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जागदा नहीं। मौन दे बारे असी हजूर कई बार फरमाते होंगे सी कि जेड़े साधु मौन रख लेंदे है इको बार फिर बोलना शुरू कर देंदे है। मौन भी कर्म कर जाता है, हाथ जड़ा हाथ कर्म कर जाता, अखां कम कर जांदियां। पूरन दे हाथ किस तरह वड्डे गए, पूरन दी साखी है कि पिछले जन्म दे विच ओह महात्मा मौन रखिया सी, बैठा सी, उहदे पास कोई कसाई गाई लै के आया, लागे बन गया, अपने हथियार तेज करन वास्ते पिंड चला गया। गाई ने रस्सा हौली हौली चबदिया चबदिया रस्सा टुट गया, गाई चला गई। जदों आया पूछया आके महात्मा नू, महात्मा मैं तेरे पास गाई बन गया ही, किधर गई है मेरी गाई? तू बोलता नहीं, उच्चे निमे लफ्ज उसनू कह, सिर्फ उसने उंगल कीती वे इधर गई है। उधर कसाई चला गया, गाई लभ गई। उसने मार टुक के उहदी खलड़ी भी ला दित्ती। उहदी रूह जिहड़ी सी वो रूह एक राजे दे घर जा के लड़की पैदा होई, लड़की पैदा होई। उधर जिहड़ी गाई सी वो लड़की पैदा होई, जिहड़ा साधु सी वो पूरन पैदा होया। पूरन सलवान दे घर पैदा हो गया, लड़की एक राजे दे घर पैदा हो गई, वो गाई दी रूह जड़ी सी। राजे ने जोश सी सद के पुछया कि मेरी लड़की जड़ी है ये की काम करेगी? उन्हें जोश ला के दसिया, राजा इस नूं मार दे जां जल प्रवाह कर दे, ये बड़ी हो के तेरा नाम बदनाम करेगी। राजे ने एक ट्रिंक बनाया, उहदे विच लड़की पाई, सब उहदे गहने गट्टे पा ले, लीड़ा कपड़ा विच पा दिता, दरिया च रोड़ दित्ती। पीपा भगत किते शनान करदा सी, उस नूं ट्रैंक लभ गया। वो ट्रैंक लभ गया, घर लै गया, उहदे घर लात नहीं सी। जदों उन्हें खोलिया वो लड़की विच बहुत खूबसूरत जीवंदी सी, बड़े खुश होए कि चलो परमात्मा ने सानू इस तरह तो नहीं दिती लाल, सानू इस तरह मिल गई है। उन्हें सेवा की, लड़की नौजवान हुई, कि सलवान बाहर गया सी, घोड़े ते चढ़िया,
खूह ते सहेलियां दे नाल पानी कढ़दी सी। सलवान ने पानी मंगिया, उसने पानी दिता नहीं पीन वास्ते। सलवान ने पूछा कि लड़की किहदी है, किसी ने दसिया कि पीपे भगत दी। उन्हें पीपे नू सद्या कि लड़की दा साग दे दे। उन्हें कहा जी ठीक है, मैं गरीब हाँ, जे तुसी पातशाह दा साग लेना चाहते हो ले लो। मतलब की कि शादी हो गई, वो लूणा बन गई, उधर पूरन बन गए। हुण देखो कर्म किस तरह भुगतदा है। जदों पूरन पैदा होया तद उन्हें जोशी सदे कि की काम करेगा, तो जोशियां ने कहा कि इनू 12 साल दे मुख ना लगी, इनू भोरे च पा दे। 12 साल पूरन भोरे च रहा। उसके बाद जदों बाहर आया तो राजे ने उन्हें सद के किया कि जा अपनिया माता नाल मिला, एक तेरी लूणा माता, एक तेरी अशरा माता है। जदों मिलन गया वो लूणा जड़ी सी, उते उन्हें बदला लेना ही लेना सी। उदे ते बेईमान हो गए, लेकिन पूरन जड़ा सी अपने सत विच रहा। बाहर आ गया, पातशाह नाल कई उसने लशन किते, उदियां शिकायतां लाइयां। उदे हाथ पैर वढ़न दा पातशाह ने इरादा बना लिया कि सवेरे मैं सद के उदे हाथ पैर वढ़ा देंगा। हाथ पैर सिर्फ उंगल कीती उसने उस पासे, उंगल दा कर्म जड़ा सी वो भुगतना पिया। हाथ पैर वढ़ के खूह च सुट दिता। भाई कर्म जड़ा है वो तो हाथ भी करता है, पैर भी करता है, अखां भी कर दियां ने, मूँह भी करता है। मूँह नाल किसी नू मंदा बोलांगे वो भी साड़ा कर्म बन जाता। कर्म तो भुगतना पैंदा, किसी वेले भी भुगतना पैंदा। ये रिशियां मुनियां बड़े बड़े जिन्हां दे असी अज जिन्हां पासों मुक्तियां मंगदे आ परमात्मा कहने, उन्हां नू भी कर्म भुगतना पिया। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि मौन भी रख लिया, कर्म फिर भी बन गया। कर्म बन गया, मौन किस वास्ते रखिया? को कर्म ना बने, असी किसी नू बोलीए ना, मंदा ना बोलीए, चंगा बोलीए, ईश्वर वाल ध्यान रखिए, लेकिन हाथ करन नाल भी कर्म बन गया। इस वास्ते शब्द व्यासी महापुरख जिहड़े आउंदे आ वो कहंदे आ भाई तू कर्म बना ना। कर्म तेरे पैर भी बना सकदे, हाथ भी बना सकदे, तेरी अखा भी बना सकदियां, कन्न भी बना सकदे। कन्ना नाल असी किसी की गल गलत सुनांगे, देखिया असी कुछ नहीं उहदा झगड़ा कर लैंदे आ, उहदे विच ही साडा कर्म बन जांदा है। बोलण विच साडा कर्म बन जांदा। जिहड़े शब्द व्यासी महापुरख ने वो कहंदे आ तू कुछ भी ना कहो, कुछ भी नहीं कहना चाहिए तैनू। तैनू तो बुरे दा जिस तरह क्या है, बाबे फरीद ने कहा फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना डाए, देई रोग ना लग सी, पल्ले सब कुछ पाए। बाबा फरीद जी कहंदे आ है फरीद जे कोई अगे बुरा तो उहदा भला कर, तू अपने मन च गुस्सा ना करी, तेरी देही नू रोग नहीं लगेगा, तेरे पल्ले सब कुछ रहेगा। जिहड़ा अगला तेरे नाल गुस्सा करेगा उहदा उहदे पल्ले कुछ नहीं रहना, तेरे पल्ले सब कुछ रहेगा। इस वास्ते फरीद दी बाणी बड़ी ला तड़क है, उन्होंने बड़ी करड़ी सेवा कीती है। जिनी कुना सेवा जने तपस्या कीती है
इन्नी शायद किसी की होवे या नहीं। जंगलों में रह गए पत्ते खोर खा के मंदे हाल, जंगलों च रहना पत्ते खोर खाने किस तरह सेवा जने तपस्या की। सो संत महापुरख जेडे शब्द व्यासी महापुरख ने वो सानू यही समझाते हैं कि भाई जिन्हां चीज़ां दे नाल तू मन नूं जगाने की कोशिश करता है इन्हां नाल असी हंकारी हो जाने हैं, तपस्या करके हंकारी हो जाते हैं, तीर्थ करके हंकारी हो जाते हैं, साडे च माण आ जाता है, कोई सेवा करके किसी की असी माण कर लैंदे हैं, साडा मन फिर उस तरह रहिंदा है। हाँ जी, जप तप संजम बहुबिद तारे मोनी हुए नदान, आस उपाओ हम बहुतक कीने, तो भी ये मन जगानायान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि असी सारे पाव कीते हैं लेकिन साड़ा मन जागया नहीं, ये जो भी कर्म करने से असी कीते हैं लेकिन मन जागया नहीं। मन नू सौ और जंगाल चढ़ते रहे, हंकारी होंदा रहा, मानी होंदा रहा, मैं तपस्या की है या मैं विद्वान बन गया या मैं मौन रख लिया, ये होर मान हंकार दे विच आना शुरू हो गया। हाँ जी, अस उपाओ हम बहुतक कीने, तो भी ये मन जगानायान। खोजत खोजत सतगुर पाए, उन ये जुगत कही परमान। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि खोजत खोजत सतगुर पाए, खोज करदा करदा हजूर कई बार फरमाते होंगे ही गुरु दत्त ने 24 गुरु धारे, खोज करते रहे जल्द 24वां गुरु मिलिया, पांच नाम का ब्यासी, फिर उसने सारिया नू प्रणाम कीती, सारिया का सत्कार कीता कि मैनु आज पूरा गुरु मिलिया, हूँ मैनु पूरा गुरु मिलिया, मैं सारिया का सत्कार करता हाँ। इस वास्ते जदों भी जीव खोज करेगा इस नू जरूर मिल जाएगा, लेकिन असी खोज तो बड़े दूरे रहने हैं, असी शब्द व्यासी महापुरखों की खोज नहीं करते, असी देखो देखी जिस तरह हजूर फरमाते होंगे कि एक पेड़ पहाड़ तो डिगी तो सारिया ही डिग पईआं, कि बाकी वालिया कह लिया कि असी पिछे की करना, सब पहाड़ तो डिग पईआं। सो साड़ी हालत हो जाती है, गुरु साहब जी फरमाते हैं कि खोजत खोजत सतगुर पाए, जदों शब्द व्यासी महापुरख मिलिया उसने जुगती दसी पाई इस तरीके नाल मन तो नहीं जागता, जिहड़े कर्म तुसी कर रहे हो इन्हां कर्मां दे नाल मन जागदा नहीं, ये हंकारी है, सुत्ता मस्त होया है, सौं इस नूं बल मिल लिया, इस नूं ताकत मिल रही है जिहड़े असी कर्म करदे हां, उन्हां जुगती दसी है। हुण अगे गुरु साहब जी फरमाउंदे हैं कि की जुगती दसी है। हाँ जी, खोजत खोजत सतगुर पाए, उन ये जुगत कही परमान। सत्संग करो संत को सेवो,
तन मन करो कुर्बान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, उन्होंने जुगती दसी है सत संग, किसे सत वाले दा संग करो, सत वाले दा संग करो, फिर उन्होंने अगे तुसी तन मन की कुर्बानी दे दिओ। जो भी तुहानू तरीका दसते है वो तरीके दे चलन की कोशिश करो। जिस तरह महाराज पंजवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया बाणी दे विच कि उन्होंने सतगुर नूं सिर्फ सतगुर का रुतबा नहीं दिता, उन्हें परमेशर का रुतबा दिता है। गुर परमेशर पूजिए मन तन लाए प्यार, जिन्होंने अंदर देखा है उन्होंने बाहर लिखा है कि कौन अंदर ये काम चलाने वाला, अंदर केड़ी चीज़ है। जदों अंदर महापुरख देखते हैं उन्होंने सतगुर ही नज़र आता है। हजूर कई बार फरमाते होंगे कि अस्तूल शरीर के नाल सिख का प्यार होता है, जदों सिख सूक्ष्म शरीर में जाता है तो सतगुर भी सूक्ष्म शरीर बन जाता है, उन्हों अंदरों नज़र वो ही आता है। जो कारण शरीर भी जाता है तो सतगुर भी उस तरह उसनों नज़र आता है। जब इस तू अगे जाता है, जिस तरह पानी नाल पानी मिल गया, लाइट नाल लाइट मिल गई, उसनों फिर उस तरह ही नज़र आता है। वो सिख जिहड़ा अंदर देखता है वो बाहर फिर उस तरह कह देता है कि बगैर सतगुर के करन कारण कौन है। सारे महापुरखों ने जिन्हें जिन्हें देखा है उन्होंने बार बाणी च लिखिया है। हाँ जी, सतसंग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। भाई वो चीज जड़ी है, जे सिख नूं सतगुर की जरूरत है तो सतगुर नूं भी सिख की जरूरत है। जे सिख नूं सतगुर की जरूरत है तो सतगुर सिख नूं भी सतगुर की जरूरत है। कई बार अगे भी दसिया है कि राजा जनक जदों उसनूं ये ख्याल आया कि घोड़े की रकाब ते पैर रखदिआं मैनूं ज्ञान होना चाहिए, सारे शहर के साधु जड़े सी उहदे राज दे विच सारियां संतां साधुआं नूं योगियां जगीशरां नूं सारियां नूं बुलाया, सारियां नूं बुलाया, कहा कि मैनूं घोड़े की रकाब ते पैर रखदिआं ही ज्ञान होना चाहिए। हुण ज्ञान किसी ने लिया ही नहीं तो देना कित्थों सी, अपनी मर्जी नाल ते साधु बन गए, किसी ने भगवे कपड़े पा ले, किसी सिर मना लिया, किसी जटा रख लिया, किसी सुआह मल ली, कोई ना कोई अपना वेश बदल लिया, साधु बन गए। ना ज्ञान किसी को लिया ना दे सके, सारे चुप करके बैठे रहे। जिहड़ा सिंघासन साधुओं वास्ते बनाया सी बहन वास्ते उत्थे अगे कोई ना वधिया। एक अष्टावक्र उन्हां दे विच साधु सी, वो उठ के उस सिंघासन ते बैठ गया, सारे हसन लगे। अष्टावक्र जिहड़ा सी तुरदिआं भी उसनों कई बल लगदे सी, डिंगा टेढ़ा शरीर सी उसदा, सारे हसन लगे कित्थों महात्मा आया जिहड़ा कि ज्ञान देने वाला, इहदा शरीर ही चंगा नहीं। जदों उसने स्टेज पर बैठिया देखिया कि सारे मैनू मखौल कर रहे हैं, मैनू हस रहे हैं, अष्टावक्र ने कहा वो साधुओ जोगियो जगीशरो, मैं तुहानू समझदा सी कि साध मंडली है, लेकिन तुसी चमड़े की पछाण करन वाले हो, तुसी मेरे ज्ञान की पछाण नहीं की, तुसी चमड़े की पछाण करन वाले हो,
मेरे ज्ञान की पछाण नहीं की। राजे ने कहा, राजा तू सिख बनना है, तू नाम दान लेना है? कहिंदा जी हाँ। तैनू पता है कि सिख बन दियां शर्तां की होंदियां ने? दसो की होंदियां ने? तन मन धन की कुरबानी देना पएगी तैनू। राजा चुप कर गया, जाके सलाह की अपने वजीर दवाना दे नाल, राणिया दे नाल, कि ये शर्त है कि तन मन धन की कुरबानी देना पएगी। राजे ने वायदा कर लिया, जी मैं कुरबानी दे देंगे, जाओ घोड़ा मंगाओ। तो वेले जो घोड़ा लिया, राजा पैर रखन लगा रकाब ते। अष्टावक्र ने कहा, राजा की कर लगा है? मैं पैर रखन लगा रकाब ते, मैनू ज्ञान दियो। कहंदे तू भोला हो गया, रकाब की दी है, तेरा पैर किदा है, घोड़ा किदा है? तू मैनू पहला दे दिता सब कुछ, तन मन धन की कुरबानी दे दीती है, तेरा तो कख भी नहीं, ना तेरा घोड़ा, ना रकाब, ना तेरा पैर, ना तू हैगा, तू तो मेरे हवाले हो गया सारा कुछ। तू मैनू कुरबानी दे दी, तन मन धन की भेटा नहीं कर दीती? राजा चुप करके बह गया, चुप करके बैठ जा, तेरा कुछ नहीं रहा। हूँ जदों सारे दरख्तों दियाँ जड़ां कटियां जाण, दरख्त डिग पैंदा, सारे मोह दियाँ जड़ां साड़ियाँ शाहियाँ चार चपके, वो मोह दियाँ जड़ां साड़ियाँ जड़ियाँ कटियाँ नहीं जांदियाँ। राजे दे सारे मोह दियाँ जड़ां कटियाँ गईयां। तेरा राजा ना कोई तन, ना खजाने, ना फौजा, ना ही लश्कर, ना ही राजपाठ, तेरा हुण कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तू सब कुछ दे देता है। चुप करके बैठ जा। चुप करके बह गया। देखी मेरे शरीर नूं लाई ना, मेरे मन नूं किते बाहर ना जान दई। अगर तू बाहर जान देगा किते देखेगा, तैनू पाप लगेगा। डर पा दिता, चुप करके बैठ गया। जरा ध्यान दिता, सुरती खिंच के उपर लै गए, उपरले मंडलों में लै गए, शब्द नाल जोड़ दिता। ज्ञान गल्लां दा नहीं है, असी बहुत सारे लोग गल्लां दा ज्ञान करते हैं, फकीरां दा वो ज्ञान नहीं, फकीरां दा ज्ञान है शब्द जिहड़ा साढ़े अंदर आ रहा है और 24 घंटे आ रहे हैं। असी उस शब्द नाल अपना कनशकन जोड़ना है, उस शब्द नूं असी सुनना है, वो साड़ा असली ज्ञान है। गल्लां दा ज्ञान तो नहीं फकीरां दा होंदा, ये आम दुनिया दा होंदा है। उपर जद शब्द दी रस लिया, वो खुशी, वो नज़ारा, जदों रूह थले आई। राजे नूं पुछया, राजा ज्ञान होया कि नहीं? कहंदा जी हो गया। कोई कसर तो नहीं रही? कहंदे कोई कसर नहीं रही। ऐ फड़ फिर अपना राजपाठ सांभ, मेरा करके करी, कोई लुटे पुटे, मैं जमावार हाँ, तू भजन करना, तू भजन करना है ये राज सांभ। इस वास्ते वो दौलत जड़ी है, सतगुरु नहीं चाहिए तन मन, सतगुरु की जरूरत है तन मन की? सिर्फ यदा कनशकन तोड़दा है, यदा जड़ा कनशकरे दियाँ जड़ा जड़ियाँ फैलियां ने, उन्होंने तोड़न वास्ते, खत्म करन वास्ते, जाने वो तन मन की कुरबानी लेंदे कि जड़ा टुट जानी मोह दियाँ लोभ दियाँ, ये बिल्कुल नरोल हो जाए और अपने देश चला जाए। सतगुरु नूं की जरूरत है ये तन मन की? उसे नूं राज सौंप दिता, खजाने सौंप दिते, फौजा सौंप दित्तियां, सौंप अपना राजपाठ। इस वास्ते जो कुछ गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। हाँ जी, सतसंग करो संत को सेवो,
तन मन करो कुर्बान, सतगुर शब्द सुनो गगनाचाड़, चेत लगाओ अपना ध्यान। संत महापुरख जेड़े शब्द व्यासी ने वो यही सानू सिक्ख्या देंदे है कि तू अपने तन मन की कुर्बानी दे, इहदा ध्यान छड़ दे, अंदर तेरे शब्द आ रहा है तू वो शब्द सुन, अपना ध्यान पूरा लगा दे। साडा ध्यान जड़ा ये तन मन दन दे विच ही रहिंदा है, उपर नहीं जांदा। क्यों नहीं जांदा? कि असी इहदी इहदा कनेक्शन तोड़दे नहीं। जदों कोई तार टुट जाती है फिर वो तार बजदी नहीं। फकीर इसका कनेक्शन तोड़ के और शब्द के नाल कनेक्शन लगा देंदे है। वो तेरे अंदर शब्द है, उसनों सुन और बड़े ध्यान दे नाल सुन। हाँ जी, सतगुर शब्द सुनो गगना चाड़, चेत लगाओ अपना ध्यान। जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि जागत जागत अब मन जागा। भाई जगदम का कम नहीं, ये हौली हौली सहजे सहजे ज्यों ज्यों भजन करता है जीव, इस दुनिया का मोह माया तो अलग होना शुरू हो जाता है, कनेक्शन टुटना शुरू हो जाता है। एक दिन का कम नहीं है। आस्ते आस्ते जिस जहान नूं असी प्यारा समझते हाँ, जिस दुनिया नूं असी प्यारे समझते हाँ, जदों असी अंदर उस शब्द दे नाल साडा प्यार लगेगा तो असी इस नूं कुछ भी नहीं समझना। फिर इहदा प्यार कुछ भी नहीं हैगा। वो शब्द दे नाल जिहड़ा शब्द की लज्जत, शब्द का स्वाद जिहड़ा उस दुनिया का, जिहड़ी अगली दुनिया साडी जदों असी उहदे विच चला जाने हाँ, उहदी ऐशो अशरत जिहड़ी है ये बराबर वो कुछ भी नहीं नज़र आती है। ये कुछ भी नहीं, पैसे रुपये जो पैसा भी नज़र नहीं आती। तो गुरु साहब जी बाणी जो फरमा रहे ठीक फरमा रहे है कि जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान। ये जिसनों सच्चा समझा है इसनों फिर झूठा समझना शुरू कर देंगे। है भी झूठा हैगा, रहने वाली कोई सच्ची चीज़ भी नहीं, आओ जाई का सिलसिला हैगा। ये गुरु साहब जी फरमाते होंगे ही कि स्टेशन समझ लो, स्टेशन ते भीड़ बनी रहती है, कोई गड्डी आ गई कोई चला गई। दादू साहब ने इस पंसारी का हट फरमाया, दादू साहब ने एक पंसारी का हट किया कि पंसारी का हट है, कई सौदा लै गए कई लैन आ गए। ये संसार नूं ये थिर रहने वाला नहीं है। हाँ जी, जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान। स्वामी जी महाराज एक शब्द विच सुरत नूं कहा कि है सुरत तू कल्ले नहीं आना, अपने मन नूं नाल लैके आ, तू कल्ले नहीं आना। मन नूं साथ लिआउण वास्ते सुरत देखो कितनी तारीफ करदी है। हे मन, मैनू सतगुर का हुक्म है कि मन नूं साथ लैके आ।
देख मैं जुगां जुगां दी तेरी दासी हाँ, तू सब तो बड़ा है। मेरा एक कहना मान लै कि मेरे साथ चल। स्वामी जी महाराज फरमाया कि मनु नाल लैके आ, देखी कि दे कली नाम है। मन की इतनी तारीफ की सुरत ने कि तू त्रिलोकी नाथ है, सब दुनिया तेरे अंडर विच है, तू बड़े तू बड़ा है, मैं भी तेरी जन्म जन्म की दासी हाँ, मेरा एक कहना मान लै कि मेरे सतगुर का हुक्म है कि मन नू साथ लै गया। मन तारीफ दे विच आके सुरत नाल तुरना शुरू हो गया। ब्रह्म दी ऐसे मन ब्रह्म तक जांदिया कोई किसी नू प्रॉब्लम नहीं आ सकती, जिसने पिछे पिछे तुरना उन्हू कोई मुश्किल नहीं हो सकती। सुरत और मन बाणी जी गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि दोनों ही अपने टिकाने ते पहुँच गए। उत्थे एक पड़ोल बनया है, उहदे अगे बार्डर है, वो बार्डर मन नहीं टप सकता। उत्थों सुरत सलांग मार के अपने चौथे देश में चला जाती है, मन उसे रहिंदा हैगा। मन अपने कार विहार च फस जाता है, अपना घर देखना शुरू। जिस तरह कोई साल दो साल दे बाद कोई बाहरों मुलाजम आउंदा है अपने घर, तो अपने पशु देखता है, घर बार देखता है, खेतीबाड़ी देखता है। इस तरह मन अपने देखो देखी च लग गया, सुरत ने सलांग मारी अपने देश चला गई। फिर मन उत्थे रोना पिटना मन नू पै गया। ये जेड़ा रोना पिटना है, उस वक्त मन ने भी अपनी छाती कुटी, मथे नू हथ लाए रोना कि मेरे चंपंजे चो सुरत निकल गई है। ये रोना उत्थों बनया है, मन भी रोया, मन भी अपने शरीर नू कुटिया उसने। हाँ जी, मन की मदद मिली सुरत को, दोनों अपने महल समान, बिना शब्द ये मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि बगैर शब्द ये मन जागदा नहीं। तुसी लखां ही पा कर लो, जो मर्जी कर लो, ये मन की खुराक है। जेड़े असी मन नू जगाण वास्ते कर्म करदे आं, वर्त रखदे आं, जल जां असी तीर्थ करदे आं, जग मोशे करदे आं, ये मन की खुराक है। क्योंकि असी करके अहंकारी हो जाने, माण आ जांदा साडे विच, ये मन की सारी खुराक है। इन्हां दे नाल मन कदी जाग नहीं सकता, ये मस्त हो जाएगा। हाँ जी, बिना शब्द ये मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान, यही उपाय छाट कर गाया, और उपाय ना कर परमान। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि ये पाओ असी छांट के सब कुछ देख के, ते आ तरीका दस्या हैगा। ऐस तरीके दे बिना मन जाग नहीं सकता, शब्द की ताकत के बिना मन नहीं जाग सकता। भाई शब्द की कमाई करो, मेहनत करो, वो शब्द साढ़े अंदर आ रहा है, उहदे विच बड़ा रस है, बड़ा स्वाद है, वो चख के देखो किस तरह का है। क्या दुनिया फिर बाबे फरीद ने जो दसिया है, खंड शक्कर नापत माखियो माझा दुध
ये सब वस्तुओं मिठिया पर रब ना पूजन तुद। दुनिया दिया सारिया चीज़ा जड़िया मिठिया दसिया ने, पर जेड़ा उस शब्द का स्वाद है उदे नाल कोई मुकाबला नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती। शब्द का स्वाद इस तो बद है, बढ़िया है। जिन्हां फकीरां ने अंदर स्वाद लिया, बेशक उन्होंने जेलां दे विच जाना पिया जां होर दुख सहना पे, लेकिन उन्हें वो स्वाद नहीं छड्डिया, उस स्वाद नूं छड्डिया नहीं। उन्हां दे नाल बहुत बहुत नजायज काम होए, तकलीफां होईयां, लेकिन उस शब्द नूं छड्डिया नहीं। उहदे विच बहुत स्वाद है, उहदे नाल ही असीं अपने घर जा सकते हैं, साड़ी मुक्ति हो सकती है, और कोई उपाओ नहीं। हाँ जी, यही उपाओ छांट कर गाया, और उपाओ ना कर परमान, बिरथा बैस बितावे अपनी, लगे ना कभी ठिकान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि जो कुछ भी तू करदा है ये सब व्यर्थ है, किसी टिकाने नहीं लगता। भाई एवें ही तेरी जिंदगी चला जाती है, जो काम करना है सो असी करते नहीं, जेड़े फजूल काम ने उन्हां दे विच साड़ी जिंदगी भुगत जाती है। बाबे फरीद ने फरमाया है, बुढ़ा होया फरीद कंबन लगी दे, सह बणिया जीवना जे तन भी हो सीखे। सह बरे जी के भी ये कर्म करके साड़ा कुछ नहीं बन सकता, ये आखिर शरीर मिट्टी च मिलना ही मिलना हैगा, पर साड़ा कम नहीं बनेगा। साड़ा काम तद बन सकता जो गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि शब्द के नाल तेरे कनेक्शन जुड़ना चाहिए। वो शब्द सचखंड देश चों आ रहा है और जा रहा है, जद असी उस शब्द नाल जुड़ांगे एक दिन असी जरूर अपने देश पहुँच जावांगे, असी कदी पिछे नहीं रह सकते। पर कनेक्शन जुड़ना चाहिए, मिकना तीस लोहा जिहड़ा तुसी देखदे हो वो दूसरे लोहे नूं खिंच के अपने पास ले आउंदा है, पर जे उहदे विच गंढे दी चिली दा पर्दा रख दिओ तो दूसरे लोहे नूं खिंच नहीं सकदा। ये श्री गुरु रविदास महाराज ने भी फरमाया कि मैं मेरी नूं छड्ड के भजन कर, वो मैं मेरी दा साडा पर्दा जड़ा विच जद तक वो साफ नहीं होंदा इन्ने चिर साडा कनेक्शन उस शब्द नाल नहीं जुड़दा। असी अपने आप नूं कमज़ोर कहना है, जिस तरह महाराज चौथी पातशाही ने फरमाया है कि है मेरे मालक मैं कुछ भी नहीं, लोहे की मैल दसिया है, लोहे की मैल जड़ी है वो किसे काम नहीं आती, कोई गुण नहीं साढ़े विच, असी लोहे की मैल हाँ, पर मिल सतगुर कैंचन कीजे, सतगुर दे नाल मिले असी पारस बन गए। लोहे की मैल जड़ी होंदी है वो किसे काम नहीं आती, वो भावें जिन्ना चिर मर्जी जमीन च दब दे कदें खुलदी नहीं है। अपने कर्म गुरु साहब जी फरमाउंदे है मेरे सतगुर, असी उस मनूर की तरह साढ़े च कोई गुण नहीं, पर मिल सतगुर पारस कीजे, कि असी सतगुर दे नाल मिले, उन्हां दा कहना मन्निया तो असी पारस बन गए, कैंचन बन गए, सोना बन गए।
लोहे की मैल जिहड़ी हुंदी है उहनूं मनूर किया जांदा है। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਗਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਬੇਮਾਨੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ना दौलत माया का मान करिए, ये सब नाशवान है। साड़ा शरीर भी की हैगा। स्वामी जी एक शब्द फरमाते मन की हालत है, मन तू किस चीज़ का मान करदा है, केड़ी चीज़ तेरे साथ आई, केड़े चीज़ तेरे साथ जानी है। जे शरीर का मान करदा है, ये शरीर ने मिट्टी च मिल जाना और तेरी रूह आत्मा जिहड़ी है उसनू ਚੁਰਾਸੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਫਕੀਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁ ਮਾਨੀ ਆ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਤਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਗੇ ਨਾ ਕਬੀ ਠਿਕਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਮਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਦਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਰਥਾ ਬੈਸ ਬਤਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਗੇ ਨਾ ਕਭੀ ਠਿਕਾਨ। ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਸਭ ਪਟ ਕੇ ਡੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੜਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਸਭ ਪਟ ਕੇ ਡੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਾਉਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਲੇ ਤਾਨ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਣ ਕੇ ਸੁਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ,
मैं सोचदा भी कड़ी कई कुहाड़ी बांधिया नींद नहीं आती, रोटी खांदिया नींद नहीं आती, तुरद्या फिरद्या नींद नहीं आती, गड्डिया मोटर चलाउंदिया नींद नहीं आती, तो भजन बैठिया ही नींद आती है। वह चारा करो, तरीका सोचो, आउंदी है नींद, उठ के फिर हाथ मुँह धो के फिर बैठो, तगड़े होके बैठो। आ स्वामी जी महाराज की फरमा रहे कि मैं शब्द शब्द ही किया है, मैं होर कुछ नहीं किया, तू भी अपनी सुरत नूं शब्द नाल ला दे और ला दे तान के जरा चंगी तरह तगड़ा होके, कमजोरी ना दसी। जदों असी कमजोर दिल करते हैं अपने आप नूं आरश विच लैने फिर असी शब्द नहीं सुन सकते। हाँ जी, शब्द शब्द मैं शब्द ही गाऊं, तू भी सुरत लगा दे तान, कर पावे चौरासी छूटे, जन्म मरण की होवे हान। गुरु साहब जी सब कुछ समझा के देखो किथे है टिकाने सिर लिया है कि भाई तू अपना घर पा लेगा, चौरासी तू छुट जाएगा, अपने देश चला जाएगा, बारों बार तेनों जन्म ना लेना पेगा, बारों बार धर्म राजे दे पेश ना होना पेगा, अपने देश चला जाएगा, पर जे शब्द की कमाई करेगा तद वो शब्द नाल मेहनत करेगा, वो शब्द सुन और तगड़ा होके सुन। हाँ जी, कर पावे चौरासी छूटे, जन्म मरण की होवे हान, राधा स्वामी कहे बुझाई, बिना संत सब पट के खान। स्वामी जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि असी कह के समझा दिता है, बगैर संतां महापुरखां दे, बगैर उस शब्द दे सब जीव असी पढ़ के खा रहे, पढ़ की रहे हैं, कोई कोई काम कर रहा, कोई कोई कर रहा है, और विश्वास किसी नूं भी नहीं किसी काम ते, बगैर संतां महापुरखां दे असी तके ही खा रहे हैं। हाँ जी, राधा स्वामी कहे बुझाई, बिना संत सब फट के खान।